सच में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया। शांति ठीक ओम शांति आंटी। ओम शांति जी। हो? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रेम की बात करिए, और सभी यहीं से शुरू होते हैं ये 2.5 अक्षर, और यहीं से जीवन खत्म हो जाता है। और आजकल हार्ट की प्रॉब्लम सबको बहुत ज्यादा होगी, ब्लॉकेजेस आने लगी, श्रिंक हो गया हार्ट, एक्सपैंड कर गया, उसके पीछे रीजन यही है। क्योंकि ये हाँ कौन से चक्र के साथ है? अनाहत चक्र के साथ। तो हार्ट में कहीं ना कहीं हमने वो नफरत का बीज, वो ईर्ष्या का बीज, वो क्रोध का बीज, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आई। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, इसमें बहुत बड़ी साइंस है। अगर किसी ने भी क्वांटम का नाम सुना हो, क्वांटम हीलिंग खाली प्रेम पे बेस्ड है, ओनली ओनली लव एनर्जी। अगर हम इसको साइंटिफिकली समझें कि छोटे छोटे जो अणु और परमाणु, अणु और कण हमारे बॉडी में होते हैं, जिसे हम सेल बोलते हैं, है ना, ठीक है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है। जैसे एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि वो है रेत आपके पास, ठीक है, रेत, और उसमें अगर हम सीमेंट डालते हैं और तभी वो अच्छे से वो कर पाता है ना। सीमेंट लगाते हैं जब घर बनाते हैं, तो ईंट के बीच में दोनों को लगाया जाता है ना, और बड़े प्यार के साथ उसकी चिनाई की जाती है। तो उसका एक मिश्रण तैयार किया जाता है, उस वो मिश्रण में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, है ना। पानी डाल के उसकी पूरी एक्यूरेट रेशियो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ज्यादा पानी डाल दिया, ज्यादा रेत डाल दी, ज्यादा सीमेंट डाल दिया, तो उसकी एक रेशियो सेट की जाती है, और बड़े प्यार के साथ वो ईंटें। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब हम नफरत करते हैं तो हमारे सारे सेल बिखर जाते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं हमारी बॉडी के सेल बिखर जाते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, जब ग्रेटिट्यूड लेके आते हैं अपने अंदर, एक कृतज्ञ भाव लेके आते हैं, और क्षमा करने की नेचर हमारी हो जाती है कि हम मुझे माफ करना है, तो वो सेल फिर से वापस जुड़ने लगते हैं। आपने देखा पहले कच्ची मिट्टी में दीवारें चीनी जाती थी, और आज सीमेंट और कंक्रीट के साथ भी उसमें वो आ जाता है, और वो सीमेंट आपने देखा कुछ देर के बाद सफेदी के भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो मैसन होता था ना, जो मिस्त्री वो काम करता था, बड़े प्रेम के साथ एक एक ईंट चिनता रहता था। और आज क्या होता है? आज उसके मन में ये होता है कि मेरे को कितने घंटे काम करना, और इस घंटे के मुझे कितने पैसे मिलने। और सीमेंट बनाने वाले ने भी मतलब समय के अकॉर्डिंगली चीजें बदल की, और वो बिखर के दीवार में से बाहर आ जाते हैं। कहते हैं ना कि दीवारें भी बोलती हैं, सुनती हैं। जिस घर में प्रेम होगा, जिस घर में संयम होगा, वहां की दीवारों में आप ये देखना कि अलग ही एक शाइनिंग होगी। और जहां थोड़ा सा भी गुस्सा, ऐसे दीवारों में भी आपको फील होगा कि ये दीवारें भी उखड़ी उखड़ी सी हुई पड़ी है। सेम हमारी बॉडी में होता है। अभी की अभी हम एक छोटा सा ट्रायल करेंगे, आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे हमारे सेल जुड़ते हैं, उससे टिश्यू बनता है, उससे हमारी मसल्स और हमारे अंदर जितने भी एलिमेंट और मिनरल्स है, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ट होता है। और इसके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च की गई है। मैं अभी एक आज जो बुक पढ़ रही हूँ सीतायन, उसमें लास्ट वाला चैप्टर में सिर्फ एक ही बात कही है कि कुछ भी नहीं, बस इस स्टोरी का अंत है प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम, हर चीज में प्रेम ही प्रेम। बस एक ही शब्द उन्होंने लिखा है कि बस एक ये चीज सीख लो आप अच्छे से, आपको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको किसी मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं, आपको किसी गुरुद्वारे में जाके बैठने की जरूरत नहीं, बस अनकंडीशनल लव। मुश्किल काम है ये? इतना आसान नहीं है जितना बोलना आसान है।
पर अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये फर्क आता है। और आपको एक चीज बताऊं, जब आप लगातार फॉरगिवनेस करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपके अंदर प्रेम भरना शुरू हो जाता है और आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। एक यही चक्र ऐसा है जिसका साइज आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना बड़ा करते जाओगे उतना आपको उसके साथ मिलाप आसान हो जाएगा। बाकी सभी चक्रास को आपको कहाँ तक रखना होता है, अपनी शोल्डर, बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं, बहुत ज्यादा घटाना नहीं। एक ये चक्र है जिसको इतना, छोटे से बच्चे को आप पूछते हो ना, बहुत छोटा बच्चा होता है, मम्मा से कितना प्यार करता है, बच्चा दोनों हाथ खोल के कहता है इतना। और अगर उसकी कम, बाय चांस कम हाथ खुलेंगे तो हम क्या पूछते हैं, बस इतना सा, मैं तो तुम्हें इतना करती हूं, है ना। तो ये जो हार्ट चक्र है, इसी वजह से यहाँ पे जो नमस्कार किया जाता है कि मैं आपको हृदय से स्वीकार कर रही हूं, मैं दिल से आपके साथ, यहां से ही वो किया जाता है। पर आजकल हम नमस्ते भी अलग तरह से करने लगे, नमस्ते नीचे चली गई हमारी। आपने देखा सोलर प्लेक्सस और स्वाधिष्ठान, जो मणिपुर और स्वाधिष्ठान के बीच में हम नमस्ते करते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, नमस्ते। आपने देखा बच्चों के हाथ नीचे को होते हैं, ऊपर की बजाय नीचे को होंगे वो, और वो पैर भी छुएंगे तो टांग घुटनों से ऊपर ही पहुंच गए अब तो। और कभी भी मंदिर गुरुद्वारे में लोगों को खड़े होते हुए देखना, वो कभी भी, मैं खड़े होके दिखाती हूँ आपको, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे। किसको एक्टिवेट कर रहे हैं हम, कौन से चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं हम? ये जब हम इस तरह से खड़े होंगे, ऑटोमेटिकली ये चक्र एक्टिवेट, और ये अगर खुलना शुरू हो गया तो ये सहस्त्रार की पेटल्स हिलनी शुरू हो जाएंगी। मींस वो जिसके लिए आप ये क्लास में बैठे, जिसके लिए आप भाग रहे हैं, उस मैं को पहचानने के लिए कि मैं हूं कौन, मेरा वजूद क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, वो तभी आपको एनलाइटनमेंट होगी जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो। यहां से डिविनिटी स्टार्ट होती है। नीचे के चार चक्रास हमने, तीन सॉरी तीन चक्रास हमारे तमस के थे, तो यहां से राजसिक शुरू हुआ ना, राज मीन्स यहां डिविनिटी, दिव्यता का एक कदम हमने शुरू किया। और यही दिव्यता का एक कदम अगर हम पार कर गए तो ऊपर जाना बहुत आसान है। और इसके लिए बस दो ही काम, एक विटामिन जी खाना है आपको और एफ स्क्वायर का फॉर्मूला, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो, भूल जाओ, छोड़ दो, लेट गो कर दो। और कुछ नहीं समझ आता, माफ भी नहीं किया जाता, तो खाली थैंक यू बोलना शुरू कर दो। अभी 1 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करेंगे और एक गहरा लंबा श्वास लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे और एक और गहरा लंबा श्वास लेंगे और अपना ध्यान अपने हृदय में लेकर जाएंगे, अपने हार्ट तक अपना ध्यान लेकर जाइए। और उस पर्सन को याद कीजिए जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव। ये इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि ले मैं बच्चों को, दो तीन चार जिसको भी करते हो याद कर लो, एक को करते हो, दो को करते हो, जिसको बेइंतहा प्यार करते। और ये करते ही आपने फील किया होगा कि आपके हृदय में, हार्ट में एक टिंगलिंग सी शुरू होगी, कुछ वाइब्रेशन हो रही है, उसको फील करो। अगर फिर भूल जाओ, फिर उसी पर्सन को दोबारा से याद करो।
अब आपके हृदय में और तेज वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ खुल रहा हो, और इसको अभी आपके शरीर में जहां भी दर्द है, कोई पेन है, कोई तकलीफ है, इस एनर्जी को आपने वहां लेके जाना है। बस वही उस पोर्शन को देखना, आपको जहां भी आपके पेन है बस उसको ध्यान से देखना शुरू कर दो, पूरा अपने फोकस उसी पे कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहां पे लेके जाओ अपनी एनर्जी, और आप इमीडिएटली आप देखोगे कि वो ऑर्गन रिलैक्स हो गया, वहां पेन चली जाएगी साथ की साथ, पर पूरा ध्यान आपका वही उसी ऑर्गन पर हो। धीरे से अब अपनी आंखें खोले। किस किसने फील किया? फील हुआ सबको? और किसी के कोई दर्द थी? हाँ जी सरिता जी, थी दर्द आपको? हाँ जी दीदी, पैर में तो मेरे दर्द है ही थी, पर तो अभी अभी हाँ, हाँ वहीं पे जब दिमाग गया ना तो ऐसा लगा कुछ ठंडा लग रहा है वहां पे। हाँ एग्जैक्टली वही वाइब्रेशन चेंज होगी होगी। और जी, हाँ किसने जी, फील किया? हाँ जी अंजू जी, आपने भी किया। ये इसे बोलते हैं क्वांटम हीलिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वांटम हीलिंग। आपको कुछ नहीं समझ आता, घर में ऐसे लगता है कि मुझे किसी की हीलिंग करनी है, आप बस सिर्फ जिसे आप बे इंतिया, क्योंकि ये आप ये नहीं कह सकते झूठ का तो होगा नहीं। अब कई ये बात हम किसी को बताते भी नहीं कि मैं उसको ज्यादा प्यार करती, उसको ज्यादा प्यार करती, हमने अपने हार्ट में लेके जाना, बस उस पर्सन को याद करते ही आपका हार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। वो परमात्मा भी हो सकते हैं, वो कोई आपका चाहने वाला भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो, उससे कोई जैसे फर्क। कल जैसे आपको मैंने फोन किया था तो उस टाइम मैं ये कर सकती थी। हाँ इमीडिएटली आप वहीं पे उतनी आप अपनी पूरी जो कंसंट्रेशन है उस जगह पे लगा दोगे जिसे आप हील करना चाहते हो, एकदम आपको ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। ये है हार्ट, कितना आसान काम है। और जैसे ही हमने ये किया, हाँ जी जैसे उसकी सर्जरी आज है तो जैसे मेरे को टाइम का पता चल जाएगा तो मतलब यही करूंगी फिर। हाँ, हमारे को भी भेज देना ना, अब कोई नहीं, ऐसी वो तो चलता ही हाँ रहेगा, जी, चल ही रही है लगातार हीलिंग तो। हाँ जी, ठीक है फिर। तो अभी इसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे बिखरे हुए सेल थे वो इमीडिएटली ज्वाइन हो गए, और ज्वाइन होते ही सेल्स ने क्या किया, एक्टिवेट पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया, और वो जो एनर्जी पैदा हुई उस टाइम पे, वो एनर्जी हमने उस ऑर्गन पे भेज दी, और इमीडिएटली आपको रिलैक्स मिलेगा। ये है ये हार्ट, और ये अभी तो हमने याद करके किया ना, और जब हम डेली ग्रेटिट्यूड करेंगे, डेली हम फॉरगिवनेस करेंगे, ये क्या होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, और जितना ये क्लीन होता चला जाएगा उतना आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, फिर याद नहीं करना पड़ेगा किसी को, फिर लोग कहते हैं ना कि आपको मिलने से तो पता नहीं हील ही हो जाते हैं हम तो, है ना, एनर्जी मिलती है ना किसी को, किसी किसी को मिलने से, किसी साधु संतों में क्या होता है, क्योंकि वो राग और द्वेष से अलग हुए होते हैं, उन्हें कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती, डिटैच साक्षी भाव ज्यादा होता है, दृष्टा भाव ज्यादा होता है, तो उनकी स्निग्ध में, उनकी एनर्जी में बैठते ही हमें किस चीज का भाव आता है, प्रेम का भाव मिलता है, और परमात्मा से हमें क्या मिलता है,
क्योंकि उसने बराबर वापस तो बोलना नहीं, कुछ वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है ना, तो इसीलिए हमें अच्छे ही वही लोग लगते हैं जो एक तरफा। आपने जिन जिन के घर में पेट होगा ना, पेट से बहुत प्यार होगा सबको, क्यों, क्योंकि वहां भी वन वे कम्युनिकेशन है। पंगाई वहां होता है जहां दोनों जगह में आर्ग्यूज होते हैं, जहां उल्टा के किसी ने जवाब दे दिया, वहीं ईगो पे बात आ गई, वहीं ईर्ष्या पे बात आ गई, वहां क्रोध पे बात आ गई। रोटी कपड़ा मकान, ये तीन नीचे के चक्रा थे हमारे, उससे हटके क्या चाहिए। रोटी तो सब खा रहे हैं, कपड़ा भी सब पहन रहे हैं, मकान भी सबके पास है, पर कौन उसको आनंद आश्रम बना के रह रहा है, और कौन उसको ये कहता है कि मेरी तो कुटिया, मेरे को तो मिला ही क्या आज तक जीवन में। बस चलो एक मेडिटेशन करते हैं इस पे। और ये चक्रा हमारा अनाहत हार्ट चक्रा, और इसका जो कनेक्शन है ये हमारी स्किन के साथ है, त्वचा के साथ है, स्पर्श। और जब भी आप अभी आपने क्या फील किया, जैसे जिसको याद किया क्या फील हुआ, कि जैसे कोई कोई हक कर रहा है आपको, ऐसे फील हो रहा था ना, कि कोई चीज आपको ऐसे अपनी बाहों में सिकोड़ रही है, मीन्स हम उस टच के साथ एकदम प्रेम से भर जाते हैं। तो स्किन के साथ हमारा और वो है, और ये एलिमेंट कौन सा है, एयर, हवा। हवा का बहाव जिधर को होता है, हवा उधर को ही जाती है ना। और एयर के बिना देखो क्या होता है, इसे हार्ट में ऑक्सीजन का भी सारा पंपिंग यहीं से होनी है, ब्लड की पंपिंग भी यहीं से होनी है, और ये 2400 घंटे हमारे लिए काम करता है। हम बदले में क्या करते हैं, इसको सिकोड़ देते हैं, ब्लॉकेजेस कर देते हैं। आज अपने साथ एक, कम से कम अपने साथ एक वादा करो कि आज से मैं अपने हार्ट को तकलीफ नहीं दूंगा, कि मैं अपने सेल्फ पे नहीं लूंगा, कोई बात हो भी गई ना साथ ही फेंक दो। इतने हर कमरे में डस्टबिन पड़ा, आपके घर में कितने डस्टबिन लगा रखे हैं, साथ ही फेंक दो, करके देखो थोड़ा दिन प्रैक्टिस, और ये इसके अंदर इतना कृतज्ञ भाव आ जाएगा आपके लिए कि इन्होंने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने अगर 1 मिनट भी आपके साथ धोखा कर दिया ना, बस फिर तो पार है बेड़ा। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रही हूं मैं, हाँ 30 सेकेंड्स के लिए भी अगर इसने कह दिया मैं नहीं काम करूंगा, मैम कुछ बीट्स मिस हो जाए उसी में हलचल हो जाती है। हाँ तो आज से कुछ ना, मैं तो सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि खाली थैंक यू बोलना शुरू कर दो, शुक्रिया शुक्रिया बोलो, कुछ ना करो, खाली शुक्रिया धन्यवाद, जो शब्द आपको भाता है इसको स्विच वर्ड बना लो अपना। इतना आनंद आता है ना, कुछ ना करो, कोई पाठ नहीं करने की जरूरत, कोई सिमरन करने की जरूरत नहीं, इसी को सिमरन बना लो, इसका एक एक मोती परो दो, विद इन 7 डेज आप डिफरेंस देखना। चलिए करें मेडिटेशन, छोटा सा छोटी सी करते हैं।
थोड़ा ज्ञान ज्यादा बांटने लग गए ना हम इस वाली क्लास में, सबने आना कम कर दिया। जब गॉसिप करते हैं ना हम कि अच्छा बताओ तुम्हारी डाइट कैसे चल रही है, तुम बातें करते हैं, फिर सब ज्यादा आते हैं। जब ज्ञान ज्यादा बांटने लग जाए ना फिर आना कम कर देते हैं सब, कि भाई रोज ही तो ज्ञान की, रोज ही नवरात्रों पे क्लास चलती है, क्या सुनना है ना। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे। मैम सॉरी मैम, मैं ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, कर लूँ मैम? 1 मिनट का है बस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम। जैसे ना आपने बोला थैंक यू, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 11 21 दिन हो गए मैं सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ, मैं और कुछ नहीं करती। मेरी स्किन ना मैम इतनी सॉफ्ट और क्लियर होगी मुझे खुद नहीं पता कि, और मेरे अंदर भी मतलब अंदर ही चेंज है, मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, कि जो हो रहा है बस ठीक है, थैंक यू। सिर्फ एक ही बार बोलती हूँ मैं और कुछ हाँ, नहीं बस करती। इसको स्विच वर्ड बना के देखो आप। सच्ची में मेडिकल मेरे मुझे जो भी होता है करिश्मा होता है। मिरेकल। कोशिश कोशिश कर, अगर जो भी होता है ऐसे छोड़ ना दिया कर उसी चीज को। मिरेकल बोल इसको, बोल दोबारा, विंडो खोल के बोल मिरेकल। मिरेकल, हाँ बस हो गया। थैंक यू मैम। चलिए गहरा लंबा श्वास लेंगे। आज हम सिर्फ धन्यवाद ही करेंगे। आंखें बंद, पीठ बिल्कुल सीधी, ध्यान अपनी दोनों आंखों के मध्य, प्रकृति के बीच में, अपनी सीट पर सेट। मैं एक चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर से कार्य कराने वाली शक्ति, मैं एक ज्योति हूं। शुद्ध आत्मा, पवित्र, शक्तिशाली, सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे को, अपने सामने लेकर आइए उस ज्योति पुंज को। वो आपका पिता, दिल से उसका शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए, जिसने आपको चुन लिया इतने लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच में। उसने आपको निकाल लिया, हीरा बनाने के लिए आप हीरा हो, वो जौहरी है, उस जौहरी ने इस हीरे को परख लिया और आपको चुन लिया। दिल से उसका आभार व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त कीजिए उन देवी देवताओं का, उन फरिश्तों का, उन देवदूतों का और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का, सभी संतों का, पीरों का, सभी अध्यापकों का, जिनके स्निग्ध में रहकर, जिनकी भक्ति कर कर, जिनकी गाइडेंस से आज आप यहां पहुंचे। दिल से आभार व्यक्त कीजिए उनसे। और जैसे ही आप आभार व्यक्त कर रहे हैं,
आपका हृदय प्रेम से भरता जा रहा है। शुक्रिया कीजिए अपने जन्म देने वाले माता पिता का, जिन्होंने आपको इस धरती पे लाए। धन्यवाद कीजिए अपने धर्म के माता पिता का और आपके आसपास जितने भी माँ समान बुजुर्ग, पिता समान बुजुर्ग, उन सबका धन्यवाद कीजिए। अपने बहन भाइयों का, और आपके जीवन में जितनी भी आत्माओं ने आपका साथ दिया और जिन्होंने आपको दुख दिया, उनका और भी ज्यादा आभार, उनका और भी दिल से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज आप यहां ना होते। जिस जिसने आपके दिल को दुखाया है उनका दिल से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए प्रकृति का, प्रकृति के पांचों तत्वों का। इन पांच तत्वों से ये जो शरीर बना है, एक एक एलिमेंट को अपने सामने लाते हुए उसका दिल से आभार व्यक्त कीजिए कि अगर एक समय हमें जल ना मिले, अग्नि ना मिले, वायु ना मिले, पृथ्वी फट जाए और आकाश, पांचों तत्व हमारी कैसे रक्षा करते हैं, एक कवच की तरह हमें अपने अंदर समेटे रखते हैं। दिल से धन्यवाद कीजिए उनका। धन्यवाद कीजिए सूर्य का, चांद सितारों का, जिसकी रोशनी में हमें भोजन मिलता है। और उस भोजन का, जिससे हमारा शरीर का पोषण होता है, और उन किसानों का जिन्होंने हमारे लिए ये भोजन तैयार कराया, ये अनाज तैयार कराए, ये सब्जियां, ये फल फ्रूट सबका दिल से आभार व्यक्त कीजिए। अब अपना धन्यवाद कीजिए आप कि मैं आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, और मेरा यह शरीर जो उस परम पिता परमात्मा ने मुझे मंदिर रूपी ये शरीर दिया है, मैं आज इसका आभार व्यक्त करते हुए इस शरीर के साथ वादा करती हूं कि मैं इस मंदिर का हर समय ध्यान रखूंगी। इस मंदिर में बैठी ये मैं मूरत, इसको हमेशा संजो के रखूंगी, इस पे कोई दाग नहीं, कोई कचरा नहीं लगने दूंगी। अपने शरीर के मंदिर रूपी एक एक अंग का धन्यवाद कीजिए। सर से लेके पांव तक एक एक अंग, एक एक नस नाड़ी, एक एक सेल, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, सभी का दिल से आभार व्यक्त कीजिए।
और सभी जीव जंतुओं का जो जमीन के नीचे, इस धरती के नीचे, इस धरती के ऊपर और आसमान में भ्रमण करते हैं, उन सभी जीव जंतुओं का भी धन्यवाद कीजिए। जो वातावरण को साफ करने के लिए बहुत सहायक होते हैं, और अब अपना दोनों हाथ अपने हृदय पर रखते हुए अपने साथ वादा कीजिए कि मैं इस मंदिर में बैठी एक मूरत हूं, और ये मूरत हमेशा ऐसे ही चमकती रहेगी, अष्टभुजी शक्तियों के साथ, सिंह सवारी, सिर पे मुकुट और हाथ में कमल लिए अपने आप को उस रूप में देखिए। महसूस कीजिए उसे। और धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथ रब करेंगे और एक गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए कृतज्ञ भाव से अपनी आंखें खोल देंगे। अब शांति।